हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज़ नए वीडियोस अपडेट करते हैं। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आप रोज़ नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, कार की देखभाल कैसे करें। कार खरीदने से ज़्यादा उसकी देखभाल करना मुश्किल है। अक्सर अपनी कार की देखरेख के लिए आपको ऑटो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो घर पर ही अपनी कार का पूरा ध्यान रख सकते हैं। हालांकि जब गाड़ी में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उसका समाधान सिर्फ सर्विस सेंटर पर कोई मैकेनिक ही कर पाता है, पर अगर कार की देखभाल नियमित रूप से की जाए तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही अपनी कार का पूरा ध्यान रख सकते हैं। ड्राइविंग ऐसे करें, बार बार रेस देने और अचानक गति कम करने की वजह से कार के इंजन व ब्रेक पर दबाव पड़ता है, इसलिए कार चलाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें। खास तौर पर जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, गाड़ी को तेजी के साथ रेस न दें बल्कि सामान्य स्थिति में गर्म होने दें। कार धूप में ना रखें। अगर कार का इंटीरियर खराब हो जाता है तो ये बहुत महंगा सौदा हो सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कार को धूप में खड़ी करने के बजाय हमेशा छाया में खड़ी करें। तेज धूप की वजह से इंटीरियर के प्लास्टिक का रंग भी फीका पड़ने लगता है। ऑयल की जांच भी करते रहें। इंजन की लाइफ तेल पर ही टिकी होती है, इसलिए गाड़ी के तेल का स्तर कायम रखने के लिए समय समय पर उसकी जांच करते रहें। जब भी आप इंजन ऑयल का स्तर देखें उस समय ध्यान रखें कि गाड़ी का इंजन बंद हो। गाड़ी में तेल की मात्रा हमेशा सही होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी का इंजन खराब भी हो सकता है। हवा की भी जांच करें। कार चलाने से पहले हमेशा कार के टायर्स की हवा जांच लें। अगर कार के किसी पहिए में हवा कम है तो उसे चलाना सही नहीं है और इससे गाड़ी का माइलेज भी प्रभावित होता है, इसलिए पहियों की हवा जरूर जांचें। ये काम आप किसी भी सर्विस सेंटर पर करवा सकते हैं। रेगुलर सर्विस करवाते रहें। कार की सर्विस नियमित समय पर करवा लेनी चाहिए क्योंकि इससे कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। गाड़ी की सर्विस या तो सर्विस सेंटर से करवाएं या फिर किसी अनुभवी मैकेनिक की मदद लें। नई जगह पर बिना सोचे समझे गाड़ी बिल्कुल न छोड़ें। निर्देश पुस्तिका जरूर पढ़ें। अक्सर लोग कार तो खरीद लेते हैं पर उसकी निर्देश पुस्तिका को कभी भी नहीं पढ़ते। अपनी इस आदत को बदलें और गाड़ी की निर्देश पुस्तिका को जरूर पढ़ें क्योंकि इससे आप कार के बारे में बेहतर ढंग से जान पाएंगे। एसी का रखरखाव करें। कार के कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर गैस, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर जैसे जरूरी चीजों की जांच भी करते रहें। अगर एसी की कूलिंग बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि गैस खत्म हो गई और उसे जल्द ही भरवा लें। वाइपर का भी ध्यान रखें। कार के वाइपर की देखरेख भी करते रहने चाहिए क्योंकि कई बार गर्मी के कारण वाइपर के रबर हीट होकर टूट जाते हैं। गर्मी में वाइपर का प्रयोग भी कम होता है, इसलिए एक ही अवस्था में पड़े रहने के कारण भी ये टूट जाते हैं, इसलिए समय समय पर वाइपर का प्रयोग करते रहें और उनका ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।